बहुत अपसेट हूँ यार मैं। जाकर उसने सीधा कॉलेज में लव लेटर दे दिया। बेवकूफों जैसी हरकतें करता है। वो तेरी नहीं हमारी भी बहन है। हाँ। समीर तुझे पता है ना उसका घर कहाँ है? हाँ पता है। गिरे चल गाड़ी निकाल। आजा। रे गुंडो जैसी हरकतें करने की जरूरत है क्या? अरे चल यार चल। ए तू जाके उसे घर से बाहर ले आ। ये उसी का घर है ना? हाँ। हेलो ब्रदर एक मिनट जरा इधर आओ। हाँ यार। अरे बोला ना आओ। आजा आजा। तुम्हारा रास्ता गलत है और सिर्फ रास्ता ही नहीं तुम्हारी सोच भी गलत है। तुम्हें मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं कि तुमने गलत किया है। ए, वो तुझे पसंद नहीं करती है ना तो फिर उसे ये लव लेटर देना कॉलेज के बाहर उसका इंतजार करना उसके पीछे घूमना ये शिवा फिल्म में हो गया है यार। अब तो उसका बेटा भी हीरो बन गया है। सुधर जा यार। Hey. अच्छा ये बता तू तब तक क्या करेगा? मैं वहां उस कोने में खड़ा रहूंगा। थैंक्स यार। तू ज्यादा टाइम मत वेस्ट कर जल्दी आना। आता हूं। Hey. आए दिव्या घर पे कोई है तो नहीं ना? पागल। नहीं यार मैं रोज वहां महेश के साथ जाता था ये बात उन्हें पता चल गई। रात के अंधेरे में वो चार लोग ऐसे लग रहे थे जैसे किसी हॉरर फिल्म में गुंडों की एंट्री होती है। तभी मुझे पता चल गया कि यहाँ खतरा जरूर है पर मेरे लिए नहीं उन लोगों के लिए। थोड़ा सा डर तो लग रहा था पर अंदर से एक फीलिंग आ रही थी। उनसे लड़ने की हिम्मत और उस सिचुएशन को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस आ रहा था। तुम्हारी बहन के पीछे मैं घूमू तो गलत है लेकिन अब तुम दोनों मेरे एरिया में आकर लड़कियों को छेड़ोगे तो वो सही है क्या? तू बात तो सही कह रहा है यार पर हम दो लोग नहीं है वो अकेला है। मैं तो सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस हूँ नथिंग एल्स। अब मैं आकर तुम्हारी बहन से बात करता हूँ। देख तूने मारा मैंने मारा बात खत्म। बस पांच छह पंचेस और किक्स और बात खत्म। हर एक पंच इतना जोरदार था कि वापस कोई उठ नहीं पाया। हेलो अबे तेरा हुआ कि नहीं? अबे यहां लफड़ा हो रहा है जल्दी आ जल्दी। मारा बनकर गाड़ी पर बैठ। चल जल्दी छुपे। वो हाथ लगाएंगे तो छोड़ दूंगा क्या?